हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम द 33 इस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी, जो कि 2010 में घटी एक सच्ची घटना पर आधारित है। IMDb पे इस फिल्म की रेटिंग है 6.9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरी दुनिया में 12,000 से भी ज्यादा माइनर्स हर साल माइनिंग एक्सीडेंट्स में मारे जाते हैं। ऐसे ही एक माइनिंग एक्सीडेंट की और उसमें फंसे 33 लोगों की कहानी है ये फिल्म। कहानी शुरू होती है चिली से, जो कि एक अमेरिकन राष्ट्र है। आज का दिन सबके लिए किसी भी आम दिनों के जैसा ही है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। उन लोगों के साथ उनके गांव में मारियो है, रिचो है, एलेक्स है, जो माइन में 45 सालों से काम करने के बाद रिटायर्ड हो रहे एक उनके साथी की पार्टी में शामिल है। दूसरी ओर मारिया है और उसका भाई दारियो है, जो अपनी बहन से नाराज है और बहुत ज्यादा शराब पीता है। और एक तरफ योनी है, जिसकी एक गर्लफ्रेंड है और दूसरी वाइफ है। ये सब लोग बस में बैठकर माइन में काम करने जा रहे हैं, जो कि अटाकामा रेगिस्तान में है। और आज का दिन है 5 अगस्त 2010। वहाँ पहुँचकर रिचो वहाँ के ऑफिसर को बताता है कि उसे लेवल 3 पे एक कांच का टुकड़ा मिला है, और ये कांच के टुकड़े दरारों में लगाए गए थे ताकि अगर माउंटेन शिफ्ट होता है तो उसका उन्हें पता लग सके। पर ये एक प्राइवेट माइन है और यहाँ पे सेफ्टी को नजरअंदाज किया जाता है, सो इस बार भी माउंटेन शिफ्टिंग पे ध्यान नहीं दिया जाता। दरअसल अटाकामा रेगिस्तान में बनी ये कॉपर एंड गोल्ड माइन सन 1889 में एक कंपनी द्वारा बनाई गई थी। इस खान में अपने घटिया सुरक्षा इंतजामों के कारण कई लोगों की जान जा चुकी थी, और खान बहुत गहरी होने के कारण इस खान में गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। इसीलिए इस खान में ज्यादा लोग काम करने के लिए तैयार भी नहीं होते थे। लेकिन इस खान में काम करने वालों को अच्छा मेहनताना मिलता था, इसीलिए कुछ लोग यहाँ काम करने के लिए तैयार होते थे। सो एज यूजल इस बार भी सेफ्टी पे ध्यान नहीं दिया जाता, और फाइनली सब लोग खान के अंदर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। अंदर जाते ही खान कितनी खतरनाक हो सकती है इस बात का एहसास होता है। अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद ये सब लोग अपना अपना काम शुरू करते हैं। वैसे ये लोग 1700 फीट जमीन के नीचे हैं, और इनसे भी नीचे मतलब 2300 फीट नीचे कुछ लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। रिचो का काम इन सब की सेफ्टी और इन सब से ज्यादा काम करवाना है। सो रिचो ने जहाँ कांच के टुकड़े लगाए थे वो चेक करने के लिए वहाँ जाता है, तो उसे वहाँ पे और कांच के टुकड़े मिलते हैं और एक नई और बहुत बड़ी दरार भी मिलती है। सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं और अचानक से एक झटके के साथ सब कुछ वाइब्रेट होने लगता है, और कुछ समझ पाए इससे पहले माउंटेन नीचे गिरने लगता है, और सब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। सब लोग गाड़ी में बैठकर बाहर की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन रिचो की टीम, जो कि 1700 फीट नीचे काम कर रही थी, रिचो समझ जाता है कि वो सब बाहर नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए 2300 फीट नीचे बने हुए इमरजेंसी शेल्टर, जिसको रेफ्यूजी बोलते हैं, उधर की ओर जाने के लिए कहता है। और उसी समय जो लोग नीचे काम कर रहे थे वो लोग भी एक छोटी सी गाड़ी में बैठकर ऊपर की तरफ बाहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। इस बीच बुरी तरीके से माउंटेन ढह रहा है, और इसी बीच रिचो की गाड़ी के सामने उसके और दो कर्मचारी आते हैं। रिचो गाड़ी स्लो करता है तो उनमें से एक आदमी गाड़ी में चढ़ने में कामयाब होता है, लेकिन दूसरा गिर जाता है। बड़ी मुश्किल से वो फिर से उठ के गाड़ी पे चढ़ने में कामयाब होता है, और जैसे ही वो गाड़ी पे चढ़ता है पूरी खान बुरी तरीके से ढहने लगती है। और इधर नीचे से ऊपर की तरफ जो टीम आ रही है उनकी गाड़ी अचानक से रिचो के गाड़ी के सामने आ जाती है, और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, और तभी उनके सामने वाली रोड की छत ढहने लगती है और सभी लोग गाड़ी से उतरकर भागने लगते हैं। लेकिन एक बड़ा सा धमाका होता है और चारों ओर अंधेरा छा जाता है, और खान के एंट्री पे जबरदस्त धूल के धमाके के साथ बाहर के लोगों को भी पता चलता है कि अंदर कोई बड़ा हादसा हुआ है। अंदर धीरे धीरे एक एक जन उठ के एक दूसरे को खोजने लगते हैं। उनमें से ज्यादातर लोग सही सलामत हैं, लेकिन कुछ लोगों को चोट भी लगी है। तभी मारियो की नज़र किसी चीज पे पड़ती है और सब लोग वहाँ देखने लगते हैं, तो एक बहुत बड़ा सा रॉक वहाँ पे गिरा है। मारियो कहता है कि ये माउंटेन का दिल है जो फाइनली टूट ही गया। वैसे ये रॉक 2 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना बड़ा है। अंदर फंसे सभी लोगों की फैमिलीज को ये खबर बाहर मिल जाती है, और हर न्यूज चैनल पे यही न्यूज चल रही है, सो पूरी दुनिया को इस हादसे के बारे में पता चलता है।
और यहाँ अंदर रिचो कितने लोग हैं ये काउंट करता है तो वो सब मिलके 33 लोग हैं। रिचो कहता है हम 33 हैं और रेफ्यूजी 30 लोगों के लिए बना है, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए हमें इमरजेंसी के लिए बने रेफ्यूजी में जाना होगा। तो मारियो कहता है कि चिमनीज जो कि वेंटिलेशन के लिए बनाई गई थी, वहां आपातकालीन सीढ़ियां बनाई गई है, सो हमें वहां से बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। तो मारियो चिमनीज की ओर जाता है अपने दो कर्मचारी साथियों को लेकर, और रिचो बाकी सबको लेकर रेफ्यूजी में जाता है। बाहर सभी 33 लोगों की फैमिलीज बेसब्री से अपनों का या अपनों के बारे में किसी भी खबर का इंतजार कर रहे हैं, पर उन्हें वहां से भगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो लोग वहां से हिलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। और इधर चिली के राष्ट्रपति तक भी ये खबर पहुंच जाती है और वो इन लोगों की जान बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने का डिसीजन लेते हैं और घटना स्थल पर खुद माइनिंग मिनिस्टर को भेजते हैं जिसका नाम है लॉरेंस। इधर अंडरग्राउंड में मारियो आपातकालीन सीढ़ियों तक पहुंच जाता है और रिचो रेफ्यूजी तक, लेकिन रेफ्यूजी में जो रेडियो था वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, सो अब रिचो बाहर किसी से भी कोई भी संपर्क नहीं कर पाएगा। फर्स्ट एड में भी कुछ खास नहीं बचा था। इधर मारियो आपातकालीन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, लेकिन सीढ़ियां आधे में जाकर खत्म हो जाती हैं और मारियो को भी वापस रेफ्यूजी में आना पड़ता है। लेकिन उसी दौरान एक और झटका लगता है और खान वाइब्रेट होने लगती है, तो सबको लगता है कि अब वे नहीं बचेंगे, इसलिए ईश्वर से आखिरी प्रार्थना करने लगते हैं। दूसरे दिन लॉरेंस वहां आता है गवर्नमेंट की तरफ से। गेट पे खड़े सारे लोग उसे रोकते हैं और लॉरेंस उन्हें हर संभव कोशिश करने का वादा करता है, लेकिन माइन के लिए काम करने वाला ऑफिसर लॉरेंस को बताता है कि अंदर कोई भी जिंदा रहे ऐसा हो नहीं सकता, अगर कोई भी जिंदा होगा तो भी रेफ्यूजी में सिर्फ 3 दिनों का खाना मौजूद है, सो हम कुछ भी नहीं कर सकते। लॉरेंस उसकी बात मान लेता है और बाहर जाकर सबको बताता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन बहुत खतरनाक हो सकता है और अंदर किसी के भी जिंदा होने की संभावना ना के बराबर है, इसीलिए अब कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जाएगा। तो इस बात पे गुस्सा होकर दारियो की बहन मारिया लॉरेंस को थप्पड़ मारती है और वहाँ खड़े बाकी लोग भी बेकाबू हो जाते हैं और रोने बिलखने लगते हैं। अंदर माइन में सब लोग कल से भूखे हैं, इसलिए खाने के लिए झगड़ा करने लगते हैं। तो मारियो उन सबको समझाने की कोशिश करता है कि बस इतना सा ही अनाज है हमारे पास और हमें बचा के इसी को तब तक खाना है जब तक हमें बचा नहीं लिया जाता। इस पे रिचो भड़क जाता है और कहता है कि 100 साल से भी ज्यादा समय लगा है उन्हें इस खान को इतना गहरा बनाने के लिए, उन्होंने इमरजेंसी सीढ़ियां तक अधूरी छोड़ी है, वो हमें बचाने के लिए इतना खर्चा कभी नहीं करेंगे, हमें यही मरने देंगे। इस पे मारियो और चिल्ला के कहता है कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि हमें वो लोग बचाएंगे, अगर वो नहीं बचाएंगे तो हमारी फैमिलीज हमें बचाएंगी, और मैं इसी बात पे विश्वास करता हूँ, क्योंकि इस बात पे विश्वास करना मैंने चुना है। तुम्हें किस बात पर विश्वास करना है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉरेंस राष्ट्रपति की परमिशन से रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करना चाहता है और राष्ट्रपति लॉरेंस की मदद के लिए आंद्रे शुगारेत नाम के एक माइनिंग एक्सपर्ट इंजीनियर को भेजते हैं। आंद्रे लॉरेंस को एक्चुअल सिचुएशन के बारे में बताते हैं कि 200 मंजिला नीचे रेफ्यूजी में 33 पीपल हैं, मतलब 2300 फीट नीचे, और माइन एक बड़े से रॉक के कारण धस गई है जो कि 2 एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितना बड़ा है, सो ड्रिल करके उनको जल्दी से जल्दी बाहर निकालना होगा। अंदर सभी 33 लोग 24 घंटे के बाद सिर्फ एक बार थोड़ा सा दूध और 2 कुकीज खाकर जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए 10 ड्रिल्स मंगाई जाती है जो कि दिन रात 24 घंटे काम करेगी। अंदर हेलमेट की लाइट्स काफी नहीं है, इसीलिए गाड़ी की बैटरी से लाइट जलाई जाती है। तभी उन सबको ड्रिल्स की आवाज सुनाई देती है और उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बाहर आंद्रे को ड्रिलिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है और लॉरेंस सभी 33 लोगों के परिवार वालों को खाने पीने, मेडिकल और बच्चों के टेम्परेरी स्कूल की सुविधाएं उपलब्ध करा के देता है ताकि उन्हें कोई और परेशानियां झेलनी ना पड़े। दिन ब दिन इनका खाना भी खत्म हो रहा है। इधर 12वें दिन आंद्रे रेफ्यूजी के पास पहुंचने में कामयाब होता है, लेकिन 10 मीटर से चूक जाता है। नीचे सभी लोगों की खुशी फिर से इंतजार और निराशा में बदल जाती है और बाहर भी सभी फैमिली मेंबर्स खुद को संभालने की कोशिश करते हैं।
और अंडरग्राउंड में इनके पास का खाना अब खत्म हो चुका है और ये अपना लास्ट मील खा रहे हैं। ये सब पिछले 15 दिनों से हर 24 घंटों में एक निवाला खाकर रह रहे हैं और इतने भूखे हैं कि इन सब का लास्ट मील पर उन सबको हेल्यूजिनेशंस होने लगते हैं और सबको अपने अपनी फैमिली मेंबर्स दिखने लगते हैं जो उनके लिए उनके पसंद का खाना लाए हैं। ये हेल्यूजिनेशन उनकी जिंदगी का अब तक का सबसे हसीन पल होगा जिसका वो सब रियलिटी में होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन बाहर आंद्रे सबकी उम्मीदों पर पानी फेरकर हार मानकर ये रेस्क्यू ऑपरेशन छोड़कर जाना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि अंदर के सारे लोग अब तक मर चुके होंगे और ड्रिल्स का निशाना सही जगह पर मतलब रेफ्यूजी पर नहीं लग रहा और ना ही कभी लगेगा। तब लॉरेंस उसे कहता है कि ड्रिल्स की दिशा बदलकर एक आखिरी बार तो कोशिश करो। उसकी बात मानकर ड्रिल्स स्टार्ट कर दी जाती है और नीचे 17वें दिन किसी को भी कुछ भी खाने को नहीं मिला है। सबकी हालत खराब हो चुकी है, सब लोग अपनी होप खो चुके हैं और बाहर निकलने से ज्यादा मरने का इंतजार करने लगे हैं। तभी अचानक भगवान उनकी और उनकी फैमिली की सुन लेता है और ड्रिल्स ठीक जगह पर अंदर आ जाती है। ड्रिल्स को देखकर सबके अंदर एक बार फिर जान आती है, सब लोग खुशी से पागल हो जाते हैं। ड्रिल्स पे मार कर ऊपर आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जो कि लॉरेंस सुन लेता है और ड्रिल को पेंट करते हैं और हम सब 33 लोग यहाँ जिंदा है ऐसा एक नोट भी ड्रिल को बांध लेते हैं। अब 100% कंफर्म हो गया है कि अंदर के लोग जिंदा है और एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है। उनकी फैमिलीज भी खुशी से पागल हो गई है और पूरी दुनिया भी ये सब देख रही है। अंदर फंसे 33 लोगों के लिए नासा एक खास तरीके का लिक्विड फूड बनाती है। आंद्रे उन सभी 33 लोगों को बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही प्लान पर निर्भर रहना नहीं चाहते थे, इसीलिए प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी ऐसे तीन प्लान एक ही समय पर अलग अलग टीमों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग देशों द्वारा दुनिया की सबसे बेहतरीन ड्रिल्स काम पे लगाई गई थी। अंदर उन तक खाना, कपड़े, फोन, कैमरा और उनकी सभी जीवन आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाया जा रहा है। फोन और कैमरा के थ्रू उन सबको अपनी अपनी फैमिली से बात करने का मौका भी दिया जा रहा है। इसी बीच उनका प्लान ए ड्रिल में खराबी के कारण पूरी तरीके से बंद करना पड़ता है। इन दिनों ये 33 लोग पूरी दुनिया में हीरोज बन चुके हैं और उनकी सलामती के लिए पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है। उन सभी 33 लोगों से चिली के राष्ट्रपति भी वीडियो कॉल थ्रू बात करते हैं और उन्हें वहां से बाहर निकालने का वादा करते हैं। इसी बीच इनका प्लान सी भी ड्रिल में टेक्निकल खराबी के कारण बंद पड़ जाता है और ड्रिल्स को वापस भेजना पड़ता है। अब सबकी उम्मीदें सिर्फ प्लान बी पर टिकी हुई है। पूरी दुनिया से लोग इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए मदद दे रहे हैं। सो इनको बचाने के लिए बजट या पैसों का प्रॉब्लम अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब प्लान बी भी टेक्निकल खराबी के कारण बंद पड़ने के कगार पर है। अंदर ये सब लोग दुनिया से कनेक्ट हो चुके हैं। हर टीवी न्यूज में और न्यूज़पेपर में इनमें से कईयों की रोज तस्वीरें आती है। किसी तरीके से आंद्रे प्लान बी रीस्टार्ट करने में कामयाब हो जाता है। अब इनको यहाँ फंसे हुए 58 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। आंद्रे और लॉरेंस माइन में फंसे सभी लोगों के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं और उनके साथ सही तालमेल से ड्रिल कर पाते हैं और इस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेस की तरफ एक और कदम आगे बढ़ता है। 62वें दिन नासा द्वारा बनाया गया एक कैप्सूल वहां पहुंचता है जिसके द्वारा 1x1 सभी 33 माइनर्स को खुली हवा में लाया जाने वाला है। पर जिस रॉक की वजह से ये हादसा हुआ है वो रॉक लगातार नीचे खिसक रहा है। सभी 33 माइनर्स को खतरे का पूरा अंदाजा दिया जाता है और फाइनली वो दिन उनके जीवन में आता है जब उनको सही सलामत 2300 फीट जमीन के नीचे से जमीन के सतह पर लाया जाना है। और आज दिन है 13 अक्टूबर 2010, ठीक 69th डे जब से वो लोग माइन में फंसे हुए हैं। रात को ये ऑपरेशन भी स्टार्ट किया जाता है और धड़कने रोककर जिस पल का इंतजार किया था वो आ जाता है और अपने साथ पहले माइनर को बाहर लेकर आता है। ये देखने के लिए हजारों लोग माइन के पास पहुंचते हैं और करोड़ों लोग टीवी पर लाइव इसको देख रहे हैं। और इसके बाद 24 घंटों तक एक के बाद एक सभी 33 माइनर्स को बाहर लाया जाता है। इस मौके पर खुद प्रेसिडेंट भी वहां मौजूद थे। 69 दिन जमीन के नीचे 2300 फीट
रहने के बाद आखिरकार वो सब लोग अपने अपनों से मिल पाते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। माइन कंपनी पर मुकदमा तो चलता है, लेकिन इस घटना के लिए माइन कंपनी को दोषी नहीं पाया जाता और माइनर्स को भी कभी कोई मुआवजा भी नहीं मिलता। इस फिल्म की स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऐसी ही और स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए, शेयर भी करिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।